वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की आपकी इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने एग्जाम सीरीज में बढ़ चुके हैं ना, और लगभग अभी हमने 70% अपना क्या है SST का जो कोर्स है खत्म कर चुके, और मुझे ये पूरा आशा है कि आपने पूरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रीड कर लिए होंगे, है ना। अब सिर्फ 2 इकाई और बाकी है जिसमें इसके बाद, और आज ये आपका इकाई खत्म हो जाएगा जिसमें क्या पढ़ने वाले, 2 विश्वयुद्धों के बीच का मतलब नाजीवाद और फासीवाद, है ना। ये मतलब युद्ध ही पढ़ रहे हो और खुद भी द्वंद्व युद्ध कर रहे हो, है ना। तो बच्चों देखो, पेपर की टाइम है, लगता है कि कभी कभी कितना पढ़े, कभी कभी किसी दिन होता है कि बिल्कुल दिन भर पढ़ने के बाद भी क्या होता है, मन ही नहीं करता, कुछ समझ ही नहीं आता, तो उस दिन ब्रेक लो। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग करते हैं रीस्टार्ट, या कभी कभी क्या करते हैं दौड़ में जाने के लिए थोड़ा सा पीछे कदम करते हैं ना, तो वो थोड़ा कभी कदम पीछे कर लो, फिर भक्त से आगे क्या करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, लगातार तैयारी करते 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 थक जाते हैं ना, तो उस थक जाने से आपको एग्जाम टाइम में एक्टिव रहना है। तो क्या करना है आपको, थोड़ा बीच बीच में क्या करते हैं, रेस्ट लेते चलना, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, दिन और रात अगर पढ़ते रहोगे तो चलो एग्जाम के टाइम आप एग्जॉस्ट हो गए, तो वो नहीं करना बच्चों, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ब्रेक लो, एक्टिविटी करो, और ये सब चीज़ों को करते हुए क्या करो, अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो चलो हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। हम कहाँ थे भाई, इकाई 5 में थे, जिसमें हमने खनिज संसाधन कर लिए थे, सरकारी बजट तो कर लिया था, है ना। आज क्या करने वाले हैं, हम 2 विश्वयुद्धों के बीच मतलब जर्मनी में नाजीवाद और फासीवाद, इस चैप्टर को हम करने वाले, ठीक है। यहाँ से क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर संभावना है कि पूछ जाएंगे, या तो कभी कभी 4 मार्क्स, तो मैं इन दोनों चीज़ों को लेते हुए आपको ये चैप्टर कराऊंगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अध्याय क्या है, अध्याय 9, 2 विश्वयुद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। चलो भाई, इस चैप्टर के पूरा उस पे आ जाते हैं, ओवर मैप में। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन कौन सी, जैसे वर्साई की संधि हुई है ना, जर्मनी को जबरदस्ती उसमें कई संधियाँ थोपी गई, तो उसका कई देश के अपने आर्थिक रूप से खत्म हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ बन रही थी। जैसे हमने पढ़ा कि रूस में क्या क्रांति आई, महामंदी हुई, तो इसे क्या हुआ, कहीं ना कहीं अनबैलेंस की स्थिति अभी भी विश्व में बनी हुई थी, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं क्या हुआ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले ही लिया, ठीक है। दक्षिणपंथी आंदोलन, फासीवाद, देखो क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अलग अलग देशों में अलग अलग क्रांतियां हुई, कहीं समाजवाद बन रहा है, कभी लोकतंत्र बन रहा है, तो वहीं क्या कुछ देशों में आक्रोश की भावना हुई, तो उसी के बीच क्या दक्षिणपंथी भावनाएं उत्पन्न हुई, ठीक। जर्मनी में नाजीवाद आया, नाजी शासन के अधीन राज्य साम्राज्य की वहां कैसे कैसे जर्मनी में चीजें हुई, ठीक। यहूदियों का नरसंहार, विदेश नीति, जिससे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में, ठीक। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध, भारत कैसे शामिल हुआ, भारत की क्या वहाँ भूमिका रही, विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है। तो हमें अंत कहाँ जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसी से क्वेश्चन आते हैं, और मैं उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगी, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 मार्क्स ही क्वेश्चन ज़्यादा है संभावना पूछे जाने की, तो उतनी चीज़ों को तैयार करना है, एक बार सुन लो, समझ लो, और बुक से वो पॉइंट पढ़ लेना काफ़ी है, ठीक है। चलो चैप्टर पर आ जाते हैं हम। पहला क्या था भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक्चुअली क्या क्या चीजें, परिस्थितियां हुई जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी। तो पहला क्या था भाई, उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा, ठीक है। तो ये क्या था, उदारवादी लोकतंत्र मतलब कई देशों में क्या हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। समाजवादी साम्यवाद जैसे रशिया में चला, समाजवाद की भावना उत्पन्न हुई, पंचायत स्थापित हुए, रूस कहा गया है ना, सोवियत कहा गया, तो ये क्या थे, रूस में हुए, कई जगह लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन इन दोनों के खिलाफ एक अलग सी गुट बनी, वो क्या थी, दक्षिणपंथी, जो लोकतंत्र को नहीं मानती थी, उदारवादी समाज में बिलीव नहीं करती थी, वो एक दल एक पार्टी, एक ही नेता की राजनीति चलनी चाहिए, वो ये माने कि भैया तानाशाह एक ने बोल दिया पूरे देश को मानना है, उसके आगे पीछे कोई नीतियां नहीं, तो इसी से जन्म क्या हुआ हमारा, दक्षिणपंथी आंदोलन, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम। तो इसी में पहला क्या था, फासीवाद। फासीवाद कहाँ आया था भाई, इटली में। अब फासीवाद के अगर शब्द को मतलब समझो तो ये क्या होता है, लकड़ियों का गट्ठा, ठीक है, फासिसो से हुई है, जिसका मतलब लकड़ियों का गट्ठा, ठीक है। यह शब्द रोम के राज चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसे ही लकड़ियों के साथ एक कुल्हाड़ा भी रखा जाता था, लकड़ी का एक गट्ठा एकता का तथा कुल्हाड़ी राष्ट्र शक्ति का प्रतीक था। तो इसी को क्या हुआ, मुसोलिनी ने क्या किया, अपने पार्टी का चिन्ह बनाया, तो फिर वहीं से क्या फासीवाद की धारणा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो मुसोलिनी ने फासीवाद का विकास किया और इसे ही अपने दल का विचारधारा बनाया, ठीक है। तो फासीवाद कहाँ हुआ भैया, इटली में, ठीक। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई थी, तो कौन सी पार्टी बनाई थी भाई, उन्होंने फासीवाद पार्टी बनाई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फासीवाद से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन आता है, तो
तो आपको बताना है फांसीवाद शब्द का मतलब क्या था। फांसीवाद शब्द का मतलब क्या था? लकड़ियों का बंधा हुआ गुत्था, ठीक है। तो वहीं जर्मन इटली में क्या किया गया, उसको राज्य चिन्ह के द्वारा अपनाया गया, जिसमें लकड़ियों के गट्ठे के साथ कुल्हाड़ी को बनाया गया। तो जो लकड़ियों की गट्ठी थी वो क्या था, राष्ट्रीय एकता को दिखाया, और क्या था, जो कुल्हाड़ी था वो राष्ट्रीय चिन्ह को बताया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या फांसीवाद की धारणा वहां उत्पन्न हुई, ठीक है। इटली में मुसोलिनी द्वारा इस चिन्ह को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रूप में अपनाया गया, ठीक। फांसीवाद की विशेषताएं बोला जाए कि फांसीवाद की विशेषताएं क्या थी भाई, तो आपको बताना है कि वह अति राष्ट्रवादी थे, मतलब अपने ही देश को सबसे ज्यादा सर्वशाली मानते थे। वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व संघर्ष को नहीं मानते थे, मतलब वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून, सबको एक जैसा सब कुछ मिलना चाहिए, वो ये मानते थे। वे हिंसा बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों के संगठन को ध्वस्त करने में विश्वास करते थे, क्योंकि वो एक दल, एक राजनीति, एक पार्टी, एक पर्सन, तो वो जब एक ही लोगों को रूल करना है, एक ही दल को रहना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो सबको जबरदस्ती कराएंगे ना भाई। हर किसी को बोलने का अधिकार होगा तो हर कोई आके बोलेगा नहीं, इसलिए क्या हुआ, एक दल एक नेता, सभी पार्टियों को खत्म करो, सभी चीजों को खत्म करो, इसलिए क्या उन्होंने हिंसा का यूज किया, ठीक। लोकतंत्र विरोधी थे, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल, वो लोकतंत्र कैसे चाहेंगे जब एक लोगों का तानाशाह चलाना है, ठीक है। वे पारंपरिक परिवारों और सामाजिक मूल्यों को विश्वास करते थे कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, उनको बाहर के काम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को कमाना चाहिए, पुरुषों को उन्होंने पूरे युद्ध में लगाए, तो ये सब क्या थी, फांसीवाद विचारधाराएं, ठीक थी। वे पार्टी के सर्वोच्च नेता आह्वान पर जनता को निरंतर उद्रेक करते थे, आंदोलन का निर्माण करते थे। उनका कहना था कि अगर आपको नेता कह दे तो आपको नेता जो कहे आपको वही करना है, ठीक है। तो ये क्या थी, फांसीवाद की विशेषताएं थी कि भैया उनके अंदर क्या थी, अति राष्ट्रवादी थे, वे पारंपरिक मूल्यों को मानते थे, वे एक दल को नेता को मानते थे, वे अपने नेता के आह्वान पर सब कुछ करने को कहते थे, है ना। वो हिंसापूर्वक अलग अलग दलों को उन्होंने खत्म किया, लोकतंत्र को खत्म किया, तो ये सब क्या थी, उनकी विशेषताएं थी, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न आता है फांसीवाद के चार लक्षण लिखिए, तो क्या थे भाई, वे अति राष्ट्रवादी थे, वह जगह जताते थे कि राष्ट्रहित की एकमात्र सर्वोपरि हित है, और राष्ट्र को आमतौर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था, ठीक। वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व संघर्ष, जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा को आदि को खत्म करना चाहते थे। वे हिंसा बलपूर्वक द्वारा सब दलों को खत्म करना चाहते थे। वे लोकतांत्रिक विरोधी थे, है ना। वे पारंपरिक मूल्यों को मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, उनको बच्चे पालन, खाना बनाने में काम करना चाहिए। तो ये सब क्या थे, फांसीवादी के लक्षण थे, वो फांसीवादी विचारधाराएं थी। तो अगर आपको फांसीवाद के बारे में आता है तो इन लक्षणों को आपको क्या है, लिखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फांसीवाद के उदय होने के कारण पूछा जाए तो भाई फांसीवाद के उदय होने के कारण कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई होगी कि मन में आक्रोश आया, तभी तो हम क्या होते, बदला लेने की भावना है। आपको कोई छोड़ी कैसे, मैं तोला मारूं, ते काबर मार बे भाई मुला, कुछ तो गलती किया होगा तभी तो आप उसको मारोगे। तो क्या है भाई, आप उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, है ना। एक बच्चा भी तब किसी को जाके मारता होगा जब उसकी कोई चॉकलेट छीन ले, दे दो झापड़, नहीं, कुछ तो रीजन हुआ भाई कि जानबूझ के कोई मारना चलपटने चल गया। तो वही चीजें क्या हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से क्या हुआ, फांसीवाद, नाजीवाद का जन्म हुआ। तो अगर फांसीवाद के उदय होने का कारण कहा जाए तो इटली की जनता में असंतोष, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा चीजें वहाँ प्रॉब्लम हुई, आर्थिक स्थिति हुई, इटली जीता भी लेकिन उसको आर्थिक रूप से बहुत हानि हुई थी, ठीक है। आर्थिक दुर्दशा, समाजवाद का प्रचार, सरकारों की अज्ञता और अकर्मण्यता, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो सरकार थी वो उतनी कुशल नहीं थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो शासन को फिर से पुनः स्थापित कर पाए, लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाए, तो ये सब क्या थी, इसकी वजह से लोगों के मन में आक्रोश आने लग गया। आक्रोश आया तो क्या, वो चाहेंगे ना कि परिस्थितियां बदले। अगर हमारे देश में आज इतनी अच्छी परिस्थितियां हैं, कल को ऐसा हो गया, पाकिस्तान जैसी स्थिति आ गई, तो हम भी चाहेंगे ना भैया कि हमारा नेता बदले। हमारा नेता बदलेगा तभी तो देश के विकास की नीतियां बदलेगी, नीतियां बदलेगी तभी तो विकास होगा, हमको जरूरत की चीजें मिलेंगी। इसलिए उस टाइम क्या हुआ इटली में, कि वहां के लोगों में आक्रोश की भावना हुई। तो ये सब कारण एटलीस्ट क्या बना, जर्मनी में फांसीवाद के उदय का कारण, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के चार कारण लिखिए भाई, इटली के मुसोलिनी के उत्कर्ष मतलब फांसीवाद का उत्कर्ष, फांसीवाद का उत्कर्ष मतलब क्या बताना है आपको भाई, प्रथम विश्व के बाद वर्साय की संधि के बंटवारे, इटली को कुछ नहीं दिया गया बल्कि इटली विजित राष्ट्र था, विश्व युद्ध के बाद इटली को आर्थिक परेशानी के समय मुसोलिनी ने आर्थिक सुधारों के आश्वासन दिया कि भाई हम पूरा प्लान वे में काम करेंगे, हम अपना अगर कुछ युद्ध होता है तो हम उसकी तैयारी करेंगे, आपको अलग अलग खर्चे नहीं करने हैं, हर चीज़ को उसने प्लान वे किया, भी फैक्ट्रियाँ किए, लोगों को एक तरीके दल में ना लाया, तो उसने क्या किया, ये सब किया, एकता की भावना जागृत की, ठीक है। सरकार की निष्क्रियता के कारण इटली में अराजकता जैसी स्थिति का निर्मित होना, सरकार क्या जो पिछली सरकार थी वो अच्छे काम नहीं कर रही थी, इसलिए क्या था, लोग जब कोई बहुत बेकार काम कर रहा है, अचानक कोई आ जाए अच्छा काम करेगा तो हम सब उसको अपना नेता मानने लग जाते हैं, तो उस टाइम वही हुआ, ठीक है।
मुसलोनी का प्रभावी व्यक्तित्व, उसकी घोषणाओं, इटली के वासियों पर प्रभाव पड़ा। मुसलोनी आया कि जैसे नेता लोग करते हैं ना चुनाव पहले, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा ला दूंगा, तो भाई हमको लगता अरे भैया सही में कुछ तो करेगा। तो उस टाइम वही लगा इटली के लोगों को कि भाई मुसलोनी आएगा तो जो देश की आर्थिक स्थिति है, दुर्दशा है, वो सब चीज क्या है, चीजें चेंज होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, मुसलोनी को अपना नेता बनाया। ठीक, चलो अगले आगे जाते हैं। अब क्या था, हमने क्या पढ़ा, इटली में फासीवाद। अब सेम पद्धति पे आ जाएंगे क्या, जर्मनी में नाजीवाद। इटली में फासीवाद किसने लाया था भाई, मुसलोनी। कौन सी पार्टी थी, फासीवाद। अब क्या आ गया, जर्मनी में नाजीवाद। इसको कौन लाया था भाई, हमारे हिटलर साहब ने। इनके तो बहुत चर्चित है ना, तो इनके चर्चा पे हम नहीं जाएंगे। अभी क्या है, हमको अपना प्रश्न क्वेश्चन देना है। ये चर्चित है, इन्होंने युद्ध कर लिया, हार भी गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन भैया हमें तो 17 मार्च को पेपर देना है, तो हम अपने 17 मार्च की युद्ध की तैयारी कर लेते। इन्होंने बहुत युद्ध की तैयारियां की, बड़े बड़े टैंक लगाए, यहाँ के यहूदों को मार डाला, वहाँ जो भी थे क्या बताया कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने बाकी हर ग्रुप को क्या क्या खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं, हमें हर मार्क्स को खत्म कराना है ना, हमें तो हर मार्क्स पे फतेह लगाने। चलो भाई हम अपनी विश्व युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। तो भैया हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे, वो उसने क्या किस उद्देश्य से लोगों को भड़काया, वर्साई की संधि का अपमानजनक शर्तों को समाप्त करना, जर्मनी की सीमाएं फैलाने तथा अपने खोए प्रांतों को वापस करना। हिटलर ने लोगों में क्या किया कि भाई अपने विदेश नीति बताई कि अगर हम जीतते हैं या हमें युद्ध क्यों करना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि वर्साई की संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी, उसको चेंज करना है। जर्मनी की सीमाएं क्या कि कुछ देश जर्मनी से लेकर दूसरे देशों को दे दिया गया था, तो उन सबका बदला लेने के लिए क्या किया था, उन्होंने अपनी विदेश नीति बनाई थी। ठीक, आगे चलते हैं। जर्मनी में हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई थी भाई, उन्होंने नाजीवाद पार्टी बनाई थी। जर्मनी में नाजीवाद के उदय की, जैसे फासीवाद की इटली में फासीवाद उदय के कारण थे, तो उसी प्रकार जर्मनी में क्या, नाजीवाद उदय होने के कुछ कारण हो गए। तो अगर प्रश्न आता है कि आपको 2 से 4 नंबर के मार्क्स में कि भाई जर्मनी में नाजीवाद उदय होने के कारण बताइए, तो आपको क्या बताना पड़ेगा भाई, देखो पहला, जर्मनी के लोग वर्साई की संधि के जर्मन के विरुद्ध शर्तों से नाराज थे, बिल्कुल बात है भाई, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारे जो नेता थे जिन्होंने युद्ध लड़ा उन्होंने, क्योंकि एटलास्ट हम जाके नहीं लड़ते ना, जनता जनता लड़ती है, लेकिन एटलास्ट जो नेता होते हैं, जो हमारे मुखिया होते हैं, उनका काम होता है, और उन्होंने वर्साई की संधि ले थोपी गई, उसके पूरा क्या इफेक्ट पड़ा जर्मनी के लोगों पर, तो उन्होंने क्या था वही सेम चीज, क्या उनमें भी क्या थी, आक्रोश की भावना थी। जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 से 1933 के बीच जो महामंदी थी उसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ था। उग्रवाद नाजी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों और दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने क्या कहा भाई कि यहूदी है, दूसरे देश है, हमारे देश की स्थिति है वो दूसरे देशों के कारण हुई है, जो विदित राष्ट्र है, लोकतंत्र लोग है, समाजवादी, ये सब नहीं होता है, जो होता है देश का एक नेता डिसाइड करता है और जो हमारे लोग हैं उनके लिए डिसाइड करता है, तो ये सब क्या उनके मन में भावनाएं भर दी गए। ठीक है, समाजवादी साम्यवादी पार्टियों भी लगातार लोकतंत्र लोकप्रिय हो रही थी और वे रूस की तर्ज पर समाज में मूलभूत परिवर्तन की वकालत कर रही थी। तो इस टाइम क्या लगा नाजीवाद पार्टी को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश को एकगुट करना है तो समाजवाद लोकतंत्र नहीं, हमें क्या है लोगों को ऊपर एक किसी को बैठाना होगा और वो एक कोई बैठेगा वो सबको रूल करेगा। तो इसी के तर्ज पर क्या हुआ, जर्मनी में नाजीवाद पार्टी का गठन हुआ। ठीक, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। हिटलर और मुसोलिनी की रैलियों में क्या समानताएं थी, क्या समानताएं भाई थी, दोनों लोकतंत्र विरोधी थे, दोनों एक पार्टी के नेतृत्व के समर्थक थे, दोनों मध्यम और निम्न वर्ग के विरोधी थे। ठीक है, उनका मानना था समाज एक ही वर्ग हो, उच्च वर्ग, कोई गरीब नहीं, क्या सब उनके ऊपर खर्चा कौन करे, वो ये मानते थे। लोकतंत्र मतलब कोई लोगों की तरह चुनी सरकार नहीं, एक पार्टी एक नेता और उसकी बातें सबको माननी है। ठीक है, और वो क्या थे, एक पार्टी के नेतृत्व के समर्थक थे, मतलब एक ही पार्टी होनी चाहिए, लोगों की तरह कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, वो अति राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित करते थे, लोगों में क्या दूसरे देशों के प्रति घृणा करते थे, तो ये सब क्या थी उनके जो क्या थी, दोनों की पार्टियों में समानताएं थी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध पर परिणाम था, मतलब ऐसे क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, तो भाई उसको देख लो, राष्ट्र राज्यों की स्थापना, जो दूसरे राष्ट्रों को अपना जाने दुश्मन समझने लगे, है ना, जो विजित राष्ट्र थे उनकी स्थापना हुई, लोकतंत्र हुए, तो क्या दूसरे राष्ट्र क्या उनको अपना क्या हुआ, दुश्मन समझने लगे। औद्योगिकरण, जिसे एक इस मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन संभव बना, श्रमिकों को कई वर्षों तक युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। ठीक है, औद्योगिकरण और बढ़ता गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो फिर क्या हुए, लोग और ज्यादा उद्योग युद्ध तो सामान बनाने लगे, तलवार भाला जो भी था वो सब चीजें बनाने लगे। लोकतंत्र, जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़का कर उन्हें
उन्माद युद्ध में झोंका जा सकता था, लोकतंत्र स्थापित किया गया, लेकिन ऐसा भी लोकतंत्र स्थापित किया कि भाई आप सभी लोग हो, सबके लिए किया जा रहा है, तो उनको क्या वो युद्ध में भी क्या है, हम सबके लिए लड़ाई कर रहे हैं करके उनको भेजा जा रहा, तैयारी की गई। वैज्ञानिक विकास मतलब बहुत ज़्यादा टैंक बनाए गए, जैसे हिरोशिमा परमाणु बम बनाए गए, तो ये सब चीज़ें क्या की गई, पहले से तैयारी थी, ये मान गए थे कि युद्ध होना है। अब आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई मेहमान आने वाला है तो खाने की तैयारी कर रहे हो तो खाना खिलाओगे ही ना, इन्होंने भी वही किया, पूरे खाना 56 भोग की तैयारी पहले से कर चुके थे, तो भाई मेहमान आए तो मेहमान की नवाजी करेंगे तो ना, इसलिए क्या कि उन्होंने युद्ध किया तो ना, यही तो द्वितीय विश्व युद्ध बना, कि भैया पहले से मान गए कि हमको युद्ध करना ही है, चलो रे ये बनाओ, चलो रे वो बनाओ, पानी दो मोड़ दो, नहीं भैया चलो बंदूक बनाओ, तोप बनाओ, अलग अलग टाइप के मशीन बनाओ, उन्होंने वही चालू कर दिया। तो इसी से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां डेवलप हो चुकी थी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। कारण को अगर वर्णन करना है तो आपको इनको दो दो लाइनें बताना होगा। वर्साई की संधि, ये तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद मतलब क्या था, जर्मनी में नाजीवाद फासीवाद जैसे उग्र राष्ट्रवाद की उत्पन्न हो गई, इनके बारे में आपको लिखना है। तुष्टिकरण की नीति मतलब क्या, ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे थे उस टाइम, कि जर्मनी इटली को प्रोत्साहित कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको समाज जो रूस पे समाजवाद पल रहा है उसको दबाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको बढ़ाने की कोशिश की, ताकि भाई ये बढ़े तो अपनी तुष्टिकरण होगी, रूस कम होगा तो वो देश बढ़ेंगे, उनके औपनिवेशिकवाद बढ़ेंगे, इसलिए क्या था, तुष्टिकरण की नीति अपनाई। पोलैंड पर आक्रमण क्या किया था, जर्मनी से वर्साई की संधि के बाद क्या था, पोलैंड का कुछ भाग ले लिया गया था, है याद है, सॉरी पोलैंड को कुछ भाग दे दिया गया था जर्मनी का, इसीलिए उसी भाग को वापस लेने के लिए क्या किया, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, और जैसे ही एक आक्रमण हुआ पूरा विश्व क्या हुआ, युद्ध में टूट पड़ा। तो यही सब कारण क्या बने, द्वितीय विश्व युद्ध के आपके कारणों को आपको लिखना है। ठीक, चलो आगे आते हैं। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता, क्या पड़ता, विश्व में तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो जाती, लोकतंत्र हमेशा के लिए अंत हो जाता, एक दल एक नेता पनपने का अवसर मिल जाता, जन विकास के रास्ते बंद हो जाते। क्यों भाई, क्योंकि वो तो सिर्फ यही बोलता कि जो बोल दिया बस यही होना है, मैंने बोल दिया आज खाना बनेगा तो बनेगा, दादा लोग होते ना, आज खाना बस रोटी चावल खाऊं और कहीं से नहीं खाऊं, बस रोटी दाल खाऊं, है ना, नहीं बनना है सब्जी, एक के सब्जी बनी भाई, और नहीं तो भैया बाकी लोग क्या खाएंगे, वही हाल था, बोल दिया कि ये चीज होनी है तो होनी, बाकी कुछ चीजें खत्म। अगर आपसे बोल दिया गया कि सब फैक्ट्री में काम करेंगे तो काम करेंगे, महिलाएं घर में रहेंगी तो घर में रहेंगी, सिर्फ लड़के पढ़ेंगे तो लड़के पढ़ेंगे, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है तो नहीं, तो यही सब चीज़ें क्या होती, अगर जर्मनी जीत जाता, नाजीवाद आता मतलब वो क्या था, हिटलर की नीति आती तो पूरा देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता। ठीक, चलो आगे चलते हैं। विदेशी नीति द्वितीय विश्व युद्ध, यही था कि पूरे लोगों ने अलग अलग नीतियाँ अपनाई, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे चलो, युद्ध का अंत कैसे हुआ भाई, जब अमेरिका ने क्या किया, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे क्या किया, बम गिराया, परमाणु बम, तो उसकी विध्वंसता को देखते ही क्या हुआ, सभी देश क्या हुआ, धीरे धीरे इस युद्ध से हटने लग गए, क्योंकि उनकी आर्थिक क्षति बहुत हो चुकी थी, और ये इतना बड़ा नरसंहार था कि उसके बाद किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे और युद्ध लड़ सके, तो इसी घटना के बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ भाई, इतनी लड़ाइयां हुई, इतने संघर्ष हुए, तो भाई कोई ऐसा रास्ता था, क्योंकि एक विश्व युद्ध हो चुका था, दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका था, इसमें इतने नरसंहार, इतनी जनधन की हानि हुई थी, इतने लोग लाखों लोग मारे गए थे, इतने देशों की क्षति हुई थी, तो कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना हो, है ना, या ऐसा कोई संगठन हो, पहले भी एक संगठन बना था लेकिन वो नाकाम था, हम देख चुके थे, तो फिर से मांग उठी कि एक ऐसा संगठन हो जो विश्व शांति की ओर बात करे, तो उसी के लिए हमने क्या स्थापित किया, राष्ट्र संघ की स्थापना की। ठीक है, तो राष्ट्र संघ क्या था भाई, ब्रिटेन रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया था, वो पहले से ही सोच रहे थे कि एक ऐसा संगठन हो जो विश्व के कल्याण के लिए बात करे। ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना था, हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत थे, है ना, उसने विश्व शांति को बढ़ाया लेकिन कहा कि हर देश अपने में संपन्न होगा, अपने देश के कानून बना सकता है, सामाजिक सरोकार, है ना, इन सब पे क्या किया, उस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। अब देखो जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिया गया, तो जो मेन देश थे उस टाइम जिन्होंने बनाया था कौन थे भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन,
जो आज भी P5 के नाम से वहां बैठे हैं और इन्हीं को वीटो अधिकार है। भारत आज भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य, परमानेंट सदस्य बनना चाहता है, लेकिन इसके वीटो अधिकार के कारण क्या है, भारत आज भी उसका परमानेंट सदस्य नहीं बन पा रहा है। तो ये क्या थी, समय के साथ, जब ये 1945 में बना था, समझ रहे हो, यहाँ इस टाइम बना था, है ना, 50 के पास, ये उसमें आज तक ये बदलाव नहीं हुआ। ये P5 बैठे हैं तो बैठे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब देश की अर्थव्यवस्थाएं बदल रही है, देश के स्वरूप बदल रहे हैं, विकास के स्वरूप बदल रहे हैं, तो क्या है, इनमें भी बदलाव होने चाहिए। तो भारत को भी क्या है, अभी भी ये वर्तमान का टॉपिक है भाई, कि भाई भारत को भी इसमें क्या है, शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ठीक, चलो आगे आते हैं। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है। राष्ट्रवाद भाई कि हम देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग अच्छे हैं और हमें देश का विकास करना है। अति देश राष्ट्रवाद, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं लेकिन दूसरे बुरे हैं। जब आप अपने आप को ऊंचा उठाकर किसी और को गिराने के पे आ जाओ ना, वो अति राष्ट्रवाद होता है। देखो बच्चे, है ना, हमें क्या है, रावण और राम दोनों देखे, राम और रावण दोनों बहुत अच्छे थे, है ना, दोनों का पास शक्तियां बहुत थी, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ, रावण हारा, राम जीता। क्यों? क्योंकि दोनों के चरित्र में अंतर था, है ना। इसीलिए क्या, तुलसीदास ने क्या, रामचरित मानस, शक्तिशाली तो रावण ज्यादा था, राम कम थे, है ना। रावण के पास इतनी बड़ी सेना थी, समृद्ध था, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उससे सबसे ज्यादा विद्वान पंडित था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, राम जीते। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र वैसा था, है ना। तो अगर आपका चरित्र है जो आपकी चीजों, आपके क्या है, आपके आपको दर्शाता है, तो अगर राष्ट्रवाद क्या हुआ, किसी देश का ये होना कि भाई हमारे लोग अच्छे, हमारे देश के लोग काम करना और हमारे देश के साथ सभी का इक्वल राइट मिलना। अति राष्ट्रवाद ये हो जाता है कि भैया हम अच्छे हैं लेकिन दूसरा बेकार। अगर आप अपने आप को ऊंचा दिखा के किसी और को गिराओगे तो वहीं से क्या होती है, वो अति की भावनाएं होती है, क्या है, वो आपके विध्वंस का कारण बनती है। ठीक है, तो इसी को अंतर देख लो भाई, राष्ट्रवाद और क्या है, अति राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद एक सामान्य भावना है, एक देश के लोग जो निश्चित भौगोलिक सीमा में रहते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति आदि समान होती है और वे एक सूत्रता में बंधे होते हैं। अति राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का एक उग्र रूप है, जिसमें एक देश के लोग अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते हैं और दूसरे देशों में अपना विस्तार करना चाहते हैं। मतलब अपने देश को तो बढ़ाएं, अपने देश को करना ही है, लेकिन दूसरे देशों को भी लोगों को अपने यहाँ शामिल करना है। राष्ट्रवाद अपने देश के विकास पर जोर देता है तथा अन्य राष्ट्रों की भावनाओं को, सीमाओं का सम्मान करता है। अति राष्ट्रवाद विश्व में अपने ही राष्ट्र के आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए वो सैन्यवाद और युद्ध का उन्माद करता है। राष्ट्रवाद से दूसरे देशों व लोकतंत्र राजनीतिक दलों संगठनों का विकास होता है, यहाँ ध्वस्त करने में विश्वास करते हैं। राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए कोई खतरा नहीं होता, बल्कि अति राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए सबसे ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो आपको इतने आंसर्स क्या है, अपने अगर आता है अंतर तो आपको 2 या 4 मार्क्स में आएगा, तो इतनी चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक, चलो आगे आते हैं। फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या है, आपको अंतर बताना है। ठीक, चलो, फासीवाद क्या था भाई और लोकतांत्रिक उदारवाद क्या होता है। तो फासीवाद, तानाशाही, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करते थे। लोकतंत्र क्या होता है, वो सभी लोगों के संवैधानिक शासन पर विश्वास करते हैं, इसमें कोई चुनाव कोई महत्व नहीं होता, शासन का सर्वोच्च व्यक्ति एक ही होता है, है ना। बल्कि इसमें क्या है, उदारवाद, चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है। फासीवाद, तानाशाह निरंकुश होते हैं, वे किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होते। लोकतंत्र में क्या होते, जवाबदेहिता होती है। फासीवाद में शासकों का बनाया हुआ कानून ही चलता है, यहाँ संविधान के द्वारा कानून बनाया जाता है, ये कामकाज के नियम निर्धारित किए जाते हैं। नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं, राज्य सर्वोच्च है और नागरिक राज्य के लिए है, इसमें माना जाता है कि नागरिक कोई नहीं है, जो राज्य है वही सभी नागरिकों के लिए है ना। यहाँ नागरिक अधिकारों की संवैधानिक रूप से मान्यता होती है। एक व्यक्ति एक दल के शासन में विश्वास करते हैं, बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र विरोधी होते हैं और ये लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, है ना। तो इतने डिफरेंसेस आपको 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तो लिखने हैं, 2 मार्क्स का आएगा तो एटलीस्ट 3-4 डेफिनेट जो डिफरेंस है वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का जो सेकेंड पार्ट था वो भी खत्म हुआ। अब लगभग आपके इतिहास के 2 ही पार्ट बचे हैं और 2 ही इकाइयाँ पूरे ओवरऑल चैप्टर में बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचा है। बहुत जल्दी अब ये 2 से 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा इतिहास आपका SST, और आपको क्या है, नोट्स बनाने और सुनते चलना है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, कुछ मत करो, 2 बार सुनो, टॉपिक को लिखो, हो जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको लगता है कि SSC बहुत कठिन है, कभी कभी होता है, लेकिन जो कठिन होता है उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी वैसी करो, अपने नोट्स बनाते रहो और प्रॉपर चैप्टर वाइज, इकाई वाइज, अंक वार पढ़ते चलो। ठीक है, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अपने हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इकाई के साथ।